करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं छिलका, जो झारखंड की एक बहुत ही फेमस डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। काफी झटपट बन जाती है, कम मसालों में बनती है और बिल्कुल हेल्दी होती है। तो नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बहुत ही ज़्यादा यमी रहती है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है चावल, तो ये अरवा चावल है, कुल 300 ग्राम चावल है, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो कर रखा था और अब मैंने इसे धो कर ले लिया है। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक ग्राइंडर जार और इसे मैं डाल दूँगी चावल। और अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, तो मैंने इसे पानी डाला और अब हम इसे पीस लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा थिन भी नहीं है, तो इसी तरीके से मैं सारा पीस लूँगी और पीस को रेडी कर लूँगी। तो चावल को पीस कर मैंने बैटर रेडी कर लिया है। तो जो बैटर बिल्कुल दरदरा नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें स्मूथ बैटर चाहिए, तो वो स्मूथ बैटर बन के रेडी है। बट अब ये बहुत ज़्यादा थिक है तो हमें इसमें थोड़ा पानी डालना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी हमें पतली रखनी है, बट बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं। तो वो छिलका बनाने के लिए मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं उसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी ताकि हमारा छिलका चिपके ना। तो अब मैं इसमें डालूंगी बैटर, तो मैं हाथों से ही डालूंगी। इसी से हमारा जो छिलका है वो बिल्कुल पतला बनेगा, बिल्कुल बीच बीच छिलका वाला बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से हाथों से इसे चारों तरफ फैला लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं मोटा है तो कहीं पतला हो जा रहा है, वैसा नहीं करना है। और उसके बाद हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे और इसी से हमारा जो छिलका है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनेगा। तो पहले जब आप डालें बैटर को तब आप तवा गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा लो रखें, उसके बाद आप उसे हाई कर दें। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। तो इसे मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसे अच्छे से पलट दूंगी। वाह, हमारा छिलका बिना चिपके बहुत ही बढ़िया, आप खुद देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे दिख रहा है ये। और इसे नीचे की तरफ से भी हल्का सिकने देंगे। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना पड़ता, कम ऑयल में ही बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसे वापस से पलट लेती हूँ और इस तरफ से हल्का सेकने देती हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी सारा छिलका मैं रेडी करूँगी। तो एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से वापस से ऑयल लगाना है और फिर से पहले इसे राउंडली करना है, उसके बाद दूसरी से इस तरीके से। आपको शुरू शुरू में प्रॉब्लम हो बट बाद में करते करते बहुत ही बढ़िया ये बनने लगता है। तो इसे भी ढक देंगे और इसी तरीके से जैसे पहले वाले को सेका वैसे ही सेक कर सारे छिलका बनाकर रेडी करेंगे। तो छिलका बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ या कोई चटनी हो उसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें हमने ना किसी मसाले का यूज़ किया, ना ही नमक डाला, ना कुछ डाला और बिल्कुल कम तेल में बहुत ही बढ़िया ये बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही ईजी है। आपको बस कुछ जगह आपको ध्यान रखना है, जैसे जब आप बैटर रेडी करें तो उस समय बैटर बिल्कुल पतला रेडी होना चाहिए, चावल
कि कुछ अंश नहीं होने चाहिए, और जब आप छिलका बनाएं तो तवा भी बिल्कुल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो सारी स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल मेरी तरह ही छिलका बनेगा। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।